हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते और बच्चों को केक खाने का मन करे तो अब हम कैसे बनाएं, और हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम केक बनाने जा रहे हैं कुछ लेफ्ट ओवर चीजों के साथ, तो बनाना हम स्टार्ट करते हैं अपना केक। तो ये ब्रेड क्रम्स है, ये ब्रेड क्रम्स मैंने जो हम सैंडविचेस बनाते हैं ब्रेड के उसके साइड्स काटते हैं उसका मैंने ये तैयार किया हुआ है। ये मैंने करीब 250 ग्राम के बराबर लिया है, और ये मेरा एक पैकेट ये पार्ले जी के बिस्किट लिया हुआ है। आप चाहें तो दूसरे बिस्किट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिस्किट्स को हम जो है सो ग्राइंड कर लेंगे, तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें इसमें। और ये मैंने करीब 200 ग्राम के बराबर चॉकलेट चिप्स लिया हुआ है। आप चाहे तो जो चॉकलेट बच्चे खाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी डार्क चॉकलेट अवेलेबल हो आप वही यूज करें। अब हम इन सबको एक साथ ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो बिस्किट और चॉकलेट था वो पिस चुका है। अब हम इसे एक बाउल और में निकाल लेंगे, ब्रेड क्रम्स में ही डाल देंगे हम। फ्रेंड्स, अब हम इसमें बटर डालेंगे। ये करीब 100 ग्राम के बराबर का बटर है, इसे हम हीट कर लेते हैं अवन में डालकर। जब तक जो हमारा बटर है वो गर्म हो रहा है तब तक हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून डालें। और इसी में फ्रेंड्स हम करीब 1 टीस्पून के बराबर वेनिला एसेंस डाल देंगे, और अब हम इसमें करीब 2 टेबलस्पून के बराबर ब्राउन शुगर डाल देंगे। आप फ्रेंड्स जो नॉर्मल कैस्टर शुगर होता है वो भी डाल सकते हैं, सेम 2 टेबलस्पून। और फ्रेंड्स, अब हमारा जो बटर है वो मेल्ट हो चुका होगा, अब हम माइक्रोवेव से निकाल लेते हैं और इसे भी अब हम मिक्सचर में डाल देंगे। और इधर मैंने 2 बनाना भी ले रखा है, इसे हम मैश कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बनाना को मैश कर लिया है। और फ्रेंड्स, इधर जो मिक्सचर है अब हम इसमें धीरे धीरे दूध मिलाएंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा जो है बैटर तैयार हो गया केक का, और अब हम इसमें ये केले का जो हमने केला जो हमें मैश करके रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसे पूरे अच्छे से विस्क कर लेते हैं, बैटर में मिक्स कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और इधर मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, हम इसे हाई हीट पर अभी बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक जो है हम अपना ये टीन तैयार कर लेते हैं केक मोल्ड, इसमें हम ऑयल डाल करके इसे ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसे
करीब 1/3 फिल करेंगे, पूरा हमें नहीं फिल करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 1/3 हमें अपने मोल्ड को भर लेना है और इसे अब हम सेट कर लेते हैं। जैसे 2/3 हम भर लेंगे और 1/4 जो है सो हम खाली छोड़ेंगे और इसे हम सेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा पानी जो है सो बॉईल हो चुका है और अब हम जो है सो अपना हीट कम कर देंगे। आप मिनिमम हीट पर रखें, मिनिमम से हाई मिनिमम हीट पर रखें जो कि मीडियम से थोड़ा ज़्यादा होगा। और इधर मैंने एक प्लेट इस तरह कर लिया है, इसको हम उल्टा करके इसमें डाल देंगे। और अब हम इस प्लेट के ऊपर में अपना ये मोल्ड जो है सो वो रख देंगे, वो बैठ जाएगा अच्छे से। इस तरह से हम मोल्ड को रख देंगे और इसके ऊपर से अब हम जो है सो ये ढक्कन डाल देते हैं और इसको अब हम मीडियम लो हीट पर इसको करीब 40 to 45 मिनट्स जो है सो हम बेक होने के लिए देंगे। और फ्रेंड्स आप ऐसे करें, इसको बीच बीच में भी थोड़ा चेक करते रहें। फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है सो आप एक साफ कपड़ा जो है सो इस तरह से डाल दें। और अब इसके ऊपर से हम ये ढक्कन डाल देते हैं जिससे कि ये टाइट हो जाएगा और अच्छे से। तो करीब अब हम आधे घंटे के बाद अपना केक चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स 1/2 आवर हो गए हैं, अब हम एक बार अपना केक चेक कर लेते हैं कि ये कितना पका है। हम इसे एक फोर्क की मदद से चेक करेंगे कि ये हमारा पक गया है या नहीं। यह अभी कच्चा ही है तो अभी हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट और रहने देंगे और उसके बाद फिर हम फिर एक बार चेक कर लेंगे। और अब हम फ्रेंड्स बिना कपड़े के ही इसको ढक देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स हम एक बार और से देख लेते हैं इसको, कई लास्ट के 5 मिनट हम कई फिर से कपड़े डाल देंगे और 5 मिनट तक हम इसे फिर से इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं। से 5 मिनट तक और भी हम रहने देते हैं तब तक। तो फ्रेंड्स अब हम जो है सो अपना जो गैस स्टोव है वो बंद कर देंगे और अब हम इसे एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये काफी अच्छे से फूल चुका है, बन चुका है। बस अब हम एक बार इसके चेक कर लेंगे कि तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है सो पक चुका है ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे, पहले साइड से अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरह से, साइड साइड से कर लेंगे। और अब हम इसे एक प्लेट को इस तरह से करके और इसके ऊपर से अब हम इसे इस तरह से उलट लेंगे। और अब हम फ्रेंड्स इस मोल्ड को इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये डी मोल्ड हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर जो अपना चॉकलेट सॉस है उसको डालेंगे। सॉफ्टली जेंटली इसे आप जो है सो स्प्रेड करें। चारों तरफ से हम जेंटली स्प्रेड कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारा केक जो है सब तैयार हो गया है। अब आप देखिए ये काफी सॉफ्ट बना है, ये देखिए आप इसे स्पून से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, हम इसे स्पून से भी इस तरह से निकाल कर खा सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब आप इस लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स के इंग्रेडिएंट्स से बनाना चॉकलेट केक बनाएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय बाय फ्रेंड्स।